बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग यूएई से अपने अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग बैन हो जाते हैं वो, यानी कि अपने मुल्क नहीं जाते, उनका वीज़ा कई मरतबा एक्सपायर हो जाता है, वो कहते हैं कल रिन्यू करवाएंगे, कर जाएंगे, वो नहीं करवा सकते। इसमें मेन जो रीज़न आ रही है, कई लोगों ने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया होता है या वैसे वहाँ पर दुबई में यूएई से लोन लिया होता है बैंकों से, और फिर 2-3 महीने इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते, बल्कि 4 महीने नहीं करवाते, कहते हैं बाद में करवाएंगे। 3 महीने की इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे करते तो आपके ऊपर ट्रैवलिंग बैन लग जाता है, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। फिर जो है आप परेशान होते हैं अपने मुल्क में जाने के लिए, यूएई का रूल है, फिर आपको वकील करवाना पड़ेगा, वकील में इतना ज़्यादा पैसा लग जाता है कि इंतहा हो जाती है। तो इससे बचें, एक तो अगर कोई बैंक से लोन लिया तो 3 इंस्टॉलमेंट ड्यू ना हो उससे पहले पहले, और अपना जो है वीज़ा जो एक्सपायर होने ना दें, उससे पहले ही ट्रैवल करना है तो कर लें। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वजह होती है बैन होने की।